인사해주세요. 동영상, 네, 동영상이에요. 구독도 아프의 비디오 괜찮아가 아프의 코멘트 걸기 전부 부탁해가 아이 호박 아프의 비디오 보셨나요 호가 어랍 자녀고 서브스크라이브 행기에 또 플리즈 아프 자녀고 서브스크라이브 비지에 젤리 घर फरमाइएगा कि सजदे में सर को झुकाया करेंगे तेरे बारे में सबको बताया सजदे में सर को झुकाया करेंगे तेरे बारे में सबको बताया करेंगे तेरी बातें समझ में आए या ना आए हम तो हाँ में हाँ लाया करेंगे तो भाई लोग आप लोग देख रहे हैं कितना जबरदस्त बर्फ पड़ रहा है अभी वाओ व्हाट अ बर्फ इतना बर्फ वाओ ऑसम अभी ओके चल रहा है अम्ब्रेला के अंदर मतलब बर्फ आ जा रहा है लेकिन मैं अम्ब्रेला भी हटा दिया हूँ बर्फ का लुत्फ उठाया जाए और आप यहाँ रोड के साइड साइड में साइकिल देख रहे होंगे ये साइकिल है आप एप्लीकेशन के थ्रू इस साइकिल का यूज कर सकते हैं आप कोई भी आदमी यूज कर सकता है ये सामने जो दो लड़कियाँ जा रही हैं ये तो बर्फ का कुछ ज़्यादा ही आनंद ले रही है ये फिसल के एक दो बार गिर भी गई थी नाइस बाइसाइकिल स्लो बाइसाइकिल ये देखिए जो सामने लड़की है इनका वीडियो बना रही है इन्हीं के दोस्त हैं तीनों साथ जा रहे थे और देख रहे हैं आप विंटर क्लॉथ वाह कितना ज़बरदस्त है ये जो लंबा लंबा कोट यहाँ का कोट होता है ये रियली बहुत ही मतलब गर्म ही होता है और बहुत खूबसूरत लगता है और यहाँ साइकिल देखिए ठंड से बचने के लिए जैसे खुद को चादर से ढक रखे हैं स्नो वाले चादर से मौसम तो ये है सिंचोन मेट्रो स्टेशन और देखिए हम आपको क्लोज से दिखा रहे हैं वाह कितना अच्छा बर्फ पड़ रहा है इतना हैवी स्नो इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही मज़ा चल रहा है सो दोस्तों मैं यहाँ बस लेने वाला हूँ और देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ वाह मतलब इतना शांत है और इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो मतलब लग रहा है पूरा पार्क में चादर बिछ गया है हम अभी हनगांग रिवर है उसके किनारे पे हैं और यहाँ पे लोग टहलने घूमने टहलने के लिए आते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं सो लेट्स सी चलिए देखते हैं कि कैसा है अभी बर्फ़ वाले में ये बर्फ कैसा दिख रहा है यहाँ पर चलिए आगे हम बढ़ते हैं मैं सिंचोन से यही नारू ये स्टेशन तक बस से आया और यहाँ से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ देखिए यहाँ पर हनगांग रिवर में हम क्रूज से सैर कर सकते हैं उसका आनंद ले सकते हैं रिवर का तो उसके बारे में दिया हुआ है और हम रिवर के किनारे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं और अभी बर्फ़ तो नहीं पड़ रहा है नीचे किचकिच सा हो गया है लेकिन बर्फ पूरा चादर की तरह बिछा हुआ है सो बहुत अच्छा लग रहा है अभी शाम का टाइम है पता नहीं इस टाइम में शायद लोग नहीं आते हैं या उस साइड में है जाकर मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है क्या बताओ आप देख रहे हैं ये जो लाइट ये लाइट्स खास कर और ये बर्फ़ का चादर वाओ ऑसम ये देखिए दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है वाओ वाओ सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो पुआल होता है ना हमारे यहाँ धान का ये धान का ही पुआल का ये टट है ना टाटी टाइप से बना हुआ टाट टाइप से बाड़ा सो इस पे हम देखिए इस पे हम पंच करेंगे देखिए कैसे बर्फ झड़ेगा चलिए हम लोग भी आज मैं भी आज लाइफ में पहली बार बर्फ का आदमी बना लिया जाए ऐसे आंख है ना ये सिंबॉलिक आंख है और ये रहा मुंह टिंग सो ये रहा हमारा भाई लोग अभी रात का 10 बज रहा है और
8 बजे से लगभग 7:30 से बर्फ़ पड़ना शुरू हुआ था, तो मैं सोचा था जाऊंगा बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन हुआ ये कि मैं उधर ही इंजॉय करने लग गया, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाने लग गया, सो थोड़ा लेट हो गया। बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, और चलिए देखते हैं हम आगे। अभी हनगांग रिवर है और उधर लाइट्स भी दिख रही हैं, सो चल कर देखते हैं आगे क्या क्या है। और ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये शॉप्स है, दुकान है, अभी बंद है। सो दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसकी हमें इंतज़ार थी। सो हम आ गए हैं हन रिवर के किनारे। ओहो, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त। ओहो, और नज़दीक जाएंगे हम एकदम एंड तक, जहाँ तक जा सकते हैं। लेट्स गो। कितना ज़बरदस्त है, एकदम शांत। और पीछे है एक 7-Eleven है, दुकान शॉप है, ये जो लाइट्स दिख रहा है। और जो हनगांग रिवर पे, ये जो आप पीछे देख सकते हैं लाइट्स, हनगांग रिवर पे ये पीछे पुल देख सकते हैं और पीछे लाइट्स देख सकते हैं। कितना ज़बरदस्त शहर नज़र आ रहा है अभी। सो मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी लिए और कितना अच्छा है मतलब व्यू अभी का टाइम। और म्यूजिक उधर चल रहा है, इधर लोग बैठे भी हुए बाहर, खाना पीना खा रहे हैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ। दोस्तों अभी ऐसा है कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जा रहे हैं। ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए अभी बहुत अच्छा माहौल है, व्यू है। अभी पीछे देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त अभी लाइट्स लग रही है। और मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मतलब अभी खाना नहीं खाया हूँ तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा दाएं बाएं देख लिया जाएगा और क्या क्या है। वो ये है सरप्राइज, ऑसम। सो ये जो क्रूज है, इस पे मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी। ऑसम, बहुत ज़बरदस्त व्यू है भाई। लोग देख रहे हैं चमचमाती तारों के बीच में नैया। अच्छा, वहाँ से हम, इससे पहले मैं गया हूँ, इस बोट पे एक बार सवारी किया हूँ मैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उस समय बर्फ़ तो नहीं पड़ रहा था, मैं दो महीना पहले, अभी ठंड का सीज़न नहीं आया तो मैं उस बोट पे सवारी किया था। यहाँ पर आप कुछ पैसा लगता है और आप बोट पे इसमें घूम सकते हैं, मतलब बड़ा है बोट है और बहुत अच्छा व्यू आता है इसमें। एक राउंड पूरा मतलब 2-3 किलोमीटर घुमाया जाता है। सो बहुत अच्छा व्यू होता है। अभी एक स्टूडेंट मिली थी, हाई स्कूल स्टूडेंट थी, मुझे तो देख के नहीं लगा था कि उसका ये जितना कम है। सो मैंने उसको बोला तो उसने फ़ोटो मतलब खींच के दिया मुझे, अच्छा अच्छा फ़ोटो खींचा उसने। सो मैंने उससे बात किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उसका। उससे पूछा मैंने क्या पढ़ना चाहती है आगे चल के, तो बोली कि जो केपॉप वगैरह प्रोग्राम होता है, तो मुझे लगा कि सिंगर बनना चाहती है, लेकिन नहीं, उसने बोला कि मैं क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव काम करना उसको पसंद है। सो स्टेज डेकोरेशन वगैरह उसको वो आगे चल के ऐसा करना चाहती है। सो हम उधर से किनारे से थोड़ा इधर और दूर आ गए हैं, और इधर है कि यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, इसे पत्ते तो अभी झड़ चुके हैं, और यहाँ बेंच भी लगे हुए हैं लोगों को बैठने के लिए, ट्रैक बने हुए हैं साइकिल वाइकिल चलाने के लिए, प्लस लोग टहलते भी है यहाँ पे। और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये बेंच, दिख रहा है। सो आपके मूवी, कोरियन मूवी के फैन होंगे अगर, तो आपको ज़रूर पता होगा कौन से मूवी का मॉन्स्टर है। सो लेट्स सी, मैं तो देख रखा हूँ ये मूवी। सो यहाँ पर है एक बोट लगा हुआ है जो नदी में चलता है, उसका ही सैंपल है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है। इसमें शीशा जड़ा हुआ है ऊपर से, सो बहुत अच्छा है। अभी काफ़ी इसका साइज बड़ा भी है, ऐसे सैंपल तो है लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। सच में रियल में पानी में उतारा जाए तो शायद चल पड़ेगा। सो मैंने अभी फ़ोटो बहुत खींच लिया, और देखिए ऐसे ही होता है। फ़ोन का बैटरी ज़्यादा था नहीं, सो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अभी ज़्यादा चार्ज नहीं था तो बैटरी अभी टैं बोल दिया है। सो हो सकता है कभी ऑफ हो सकता है, और मुझे बस नंबर पता नहीं है। सो मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा, ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाऊँगा, लेट्स सी कितना करता हूँ। और यहाँ जो पेड़ है आप देख सकते हैं, सूखा सा पेड़, जैसे पत्ते तो नहीं है लेकिन बर्फ़ है, आप देखिए दिखाता हूँ। वाह, देख रहे हैं
सो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर भी कुछ था, अंकल आंटी लोग टहल रहा था, लोग फोटो खिंचवा रहा था लोग, वो जो होस्ट मूवी का जो मॉन्स्टर है, तो मैंने फ़ोटो उनका खींच दिया लेकर, और मैंने भी अपना एक फ़ोटो ऑफकोर्स एक दो फ़ोटो खिंचवा लिया उन। सो आप पार्क देख सकते हैं, मतलब क्या क्या चादर में बिछा हुआ है, कितना ज़बरदस्त। और यहाँ पर जो आई सोल यू करके जो लिखा हुआ वो पता नहीं कहाँ है, मुझे एक वहाँ पर फ़ोटो आई ले रहा था। सो मैं आज वो जो सामने दो लड़का लड़की आ रहे हैं उनसे चलिए आज पूछते हैं, हम पूछ ही लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो आई सोल यू करके जो लिखा हुआ था यहाँ से हटा दिया गया है। मैंने जो कोरियन लड़की थी, जो कोरियन लड़की उन लोगों से मैंने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता था, सो उसको हटा दिया गया है। सो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे फ़ोटो इस बार नहीं लिया गया, फिर कभी लगाया जाएगा और लगेगा तो देखा जाएगा। सो फिलहाल हम अब वापस जा रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप कोरिया के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100% सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी है कोरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप कभी कोरिया आए हैं या आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, ये भी मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो अभी आपको लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत अच्छा यहाँ बना हुआ है, सो मैं इसके अंदर से आपको दिखा देता हूँ निकल कर, बहुत ही औसम बना हुआ है। अभी जो तो ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म हो गया है, सो ज़्यादा अब शूट नहीं कर सकता। इसे देखने के लिए यहाँ बहुत सारी जगहें हैं अभी। सो कोरिया को बेसिकली ऐसे बना ही गया है, जैसा लग रहा है कि हर जगह घूमने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मतलब ऐसे डेकोरेट किया गया है बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर देखिए आप बर्फ़, वाओ।